ठंडा ठंडा मज़े का जो सत्तू है वो आपका बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप पिए और इसको एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ राबिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू की ड्रिंक, बच्चों को बनाकर दें गर्मी में, गर्मी भगाने के लिए है ये, माशाल्लाह से सुन्नत नबवी भी है। तो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। सत्तू चाहिए होंगे जो कि जौ का आटा होता है, जौ को भूनकर पीसकर बनाया जाता है, जो गर्मियों के मौसम में होते हैं। गंदम के साथ ही इसकी कटाई और बुझाई की जाती है, तो ये बहुत ही ठंडी और गर्मी भगाने वाली ड्रिंक होती है, बड़े शौक से पी जाती है ख़ासतौर पे गांव वगैरह में। तो ये किसी भी स्टोर से, किसी भी दुकान से इस शक्ल में, पाउडर के फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। ये 2 गिलास की रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ, तो आप इसको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पे 2 गिलास पानी है मेरे पास, ये मैंने लिया है, इसके अंदर डाल दूँगी मैं। और ये शक्कर है मेरे पास, ये शक्कर में बनाएं तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं, अगर आप चाहें तो इसको चीनी में भी बना सकते हैं, लेकिन शक्कर में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये शक्कर की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए इसको शक्कर में ही बनाया जाता है ज़्यादा और शक्कर में ही पसंद किया जाता है। तो मैं ये 1/2 कप है मेरे पास, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको इस तरह से अच्छे से हल कर लेंगे। अगर आप ठंडे पानी में इसको डालेंगे तो ठंडे पानी में आपकी जो शक्कर है ना वो हल नहीं होगी जल्दी और नीचे बैठी रहेगी और इसका जो टेस्ट है ना वो भी अंदर नहीं आएगा। ये तो शक्कर हमारी हल हो चुकी है अच्छी तरह से। 2 टेबलस्पून लेमन का जूस डालेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें सत्तू, जो कि मैं इसमें 4 टेबलस्पून डाल दूंगी बार बार के। और अब हम इसको करेंगे हल अच्छे तरीके से, इस तरह से हमने इसको हल करना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। ये 1/4 टीस्पून मेरे पास है काला नमक, ये मैं डाल दूंगी इसमें। और अब हम इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे ताकि जो जो हमने इसके अंदर सत्तू डाले हैं, इसकी जो गुठली है ना वो इसके अंदर ना बने। ये देखिए सत्तू हमारे जो इसके अंदर अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल हो चुके हैं, इस तरह से हल होने चाहिए, ये कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए, ये देखें। अब मैं डालूंगी इसमें बर्फ़। बर्फ़ चाहे तो आप क्यूब्स की भी शक्ल में डाल लें या फिर आप जैसे भी आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें या जैसे भी आपको पसंद हो, मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया। और अब ये ठंडा ठंडा मज़े का जो सत्तू है वो आपका बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप पिए और इसको एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको सर्व करती हूँ। तो आप बच्चों को बनाकर दें गर्मी में, गर्मी भगाने के लिए है ये, तो माशाल्लाह से सुन्नत नबवी भी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जनम ज़रूर करें।